गाई जॉनी डेप वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, और उन्हें यह नाम और शोहरत कैप्टन जैक स्पैरो के कैरेक्टर से मिली है, और इसीलिए बहुत सारे फैन उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। खैर, आज मैं लेके आया हूँ जॉनी डेप से रिलेटेड कुछ ऐसी ही बातें जिसे शायद आप जानते नहीं होंगे, जिसमें इंक्लूड होगा कि जॉनी डेप कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है, कितने शादियाँ की और इवन कितने बच्चे हैं और कितना कमाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे बातों को बताऊंगा जिसे जॉनी डेप के हर फैन को जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं जिया सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इंस्टा पर डीएम करके इस वीडियो का टॉपिक को सजेस्ट किया, और मैं ये वीडियो इसी की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। वेल, आप भी चाहते हो कि मैं आपके सजेस्ट किए गए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो। टॉपिक अच्छा रहा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। खैर, अब बात करते हैं टॉपिक पे और शुरू करते एकदम शुरू से। तो जॉनी डेप का पूरा नाम जॉनी क्रिस्टोफर डेप टू है, जो 9 जून 1963 में पैदा हुए थे, और ये हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज ए एक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन काम करते हैं, और इन्हें वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल मूवी स्टार भी माना जाता है। और इन्होंने 1984 में रिलीज हुई मूवी ए नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट मूवी से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यूट किए थे, और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके इनका करियर आगे बढ़ता गया, और जब इन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो का रोल किए तब से ये हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हुए, और फिर इसके बाद इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले और कई अवार्ड में नॉमिनेट ही रह पाए, और अभी तक इन्हें एक भी एकेडमी अवार्ड नहीं मिला है, मतलब ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन ये ऑस्कर अवार्ड के लिए 3 दफ़ा नॉमिनेट हो चुके हैं और ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड के लिए 2 दफ़ा, और इन दोनों में इन्हें एक भी अवार्ड नहीं मिला। लेकिन अगर बात करोगे पीपल चॉइस अवार्ड की तो जॉनी डेप 18 अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए थे, जिसमें इन्हें 14 अवार्ड मिला है। तो आप देख सकते हो कि 18 अवार्ड में से 14 अवार्ड जॉनी डेप को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि फैन इन्हें कितना पसंद करते हैं। वेल, इन्हें कितने अवार्ड मिले और किस किस कैटेगरी में, उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं इनके मैरिज लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले जॉनी डेप ने 1983 में लॉरी एली एलिसन से शादी किए थे, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन चला नहीं, और ठीक 2 साल बाद मतलब 1985 में इनका इनके साथ डाइवोर्स हो गया, और फिर जॉनी डेप 1985 में ही शर्लिन फिन के साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन ये रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिन चला नहीं, और 1988 में ही ये दोनों अलग हो गए, और फिर 1989 में विनोना राइडर को डेट किए, और ये रिश्ता भी 1993 में ही एंड हो गया। वैसे विनोना से जॉनी डेप बहुत प्यार करते थे, और इसी वजह से जॉनी डेप विनोना फॉरएवर का टैटूज अपने हैंड पे बनाए हुए हैं। खैर, इसके बाद केट मॉस के साथ 1994 से 1998 तक रहे, और फिर 1998 से विनोना पार्टीज के साथ रहे, और 2012 में इससे भी अलग हो गए, और इनसे शायद 2 बच्चे भी हैं, एक डॉटर जिनका नाम लिली रोज डेप है, और एक बेटा का नाम जॉनी क्रिस्टोफर डेप थर्ड है। और फिर इनसे अलग होने के बाद 2015 में ये दूसरी शादी किए एम्बर हर्ट के साथ, और फिर एम्बर हर्ट से 2017 में डाइवोर्स हो गया, और इनसे डाइवोर्स लेने के बाद जॉनी डेप ने ना अभी तक किसी को डेट किए हैं और न ही किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, और शायद आएंगे भी नहीं, क्योंकि एम्बर हर्ट के साथ जो इशू जॉनी डेप का हुआ है वो सब आप जानते ही होंगे। वैसे मैं एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से जॉनी डेप को गलत मत समझना, क्योंकि हॉलीवुड इंडस्ट्री में ये सब नॉर्मल है और फॉरेन कंट्री में भी, तो आप इन्हें पिलो वाइट टॉप मत समझना। खैर, अब बात करते हैं कि जॉनी डेप का घर कहाँ है और वो कहाँ रहते हैं। तो भाई, इस बात का आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जॉनी डेप ने टोटल $75 मिलियन स्पेंड करके 14 हाउस अलग अलग कंट्री में परचेस किए हैं, और एक इसलैंड भी। जी हाँ, इसलैंड जिनका नाम लिटिल हॉल पॉन्ड के है, जिसका इमेज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और उन्होंने ये इसलैंड $3.6 मिलियन में खरीदा था 2004 में। और जॉनी डेप का होम टाउन ओएसबोरो सिटी है, जो US में है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रांस, लॉस एंजलिस और अपने प्राइवेट इसलैंड बहामास में रहते हैं, लेकिन फिलहाल वो कहाँ हैं इस बात को बताना थोड़ा मुश्किल है। वेल, अब बात करते हैं कि जॉनी डेप कितना कमाते हैं और उनकी अपकमिंग मूवी कौन सी आने वाली है। तो जॉनी डेप 10th highest paid एक्टर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिनकी अभी तक टोटल मूवी US बॉक्स ऑफिस पे $3.7 बिलियन का अर्निंग कर चुकी है, और वर्ल्ड वाइड $10 मिलियन का, जो कम नहीं है। और 2012 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया था, जहां पे उन्होंने $75 मिलियन का अर्निंग करके टॉप 1 highest paid एक्टर बन गए थे, और इस टाइम तक किसी ने इतना पैसा अर्न नहीं किया था। और 2012 के बाद जॉनी डेप की नेटवर्थ अर्निंग $200 मिलियन थी, जहां पे वो पर मूवी $20 मिलियन चार्ज करते थे, लेकिन जब से एम्बर हर्ड के साथ उनका कंट्रोवर्सी हुआ है तब से उनकी अर्निंग नहीं होती, और अब एक मूवी किसी किसी साल रिलीज होती है, तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी अर्निंग कितनी होती होगी फिलहाल। और उनकी रिसेंटली वेटिंग फॉर द वॉल्वरीन मूवी रिलीज हुई है, जिसमें वो कोलोनल जोल के कैरेक्टर का रोल प्ले किए हैं, और उनकी 2021 में मिनी माता मूवी रिलीज होगी, और फिर इसके बाद फैंटास्टिक विद फ्रेंचाइजी के 3rd मूवी में वो दिखेंगे, जिसमें वो ग्रिंडेलवाल्ड के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, और अभी इनके अंदर में इतनी मूवी है
और फिर इसके बाद शायद वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी शेरलॉक होम्स 3 में देख सकते हैं, जिसके रूमर कुछ दिन पहले सर्कुलेट हुए थे और मैंने इस पर वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को इन्फॉर्म भी किया था। वेल, अगर आप इस बारे में कंप्लीट जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को देख सकते हो, और जॉइंट टैप के वियर्ड फैक्ट जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख लेना, और आपको इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप जॉइंट टैप के फैन हो तो मेरे ख्याल से आपको इस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। खैर, अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो चुकी है, तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सजेस्ट किए गए टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो इंस्टा पर DM कर सकते हो या फिर किसी वीडियो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। टॉपिक अच्छा रहा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख ही पाओगे। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी भी वेब सीरीज के बारे में तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।